इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11 पॉइंट का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कुंड का आयतन कितना दिया गया है, कुंड हमारा मान लीजिए एक तरह से टंकी है, ठीक है। तो इसका आयतन हमें 108 मीटर क्यूब दिया गया है। इसके अलावा जो दर है यानी कि जो पानी है वो कुंड में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, तो ये हमें दर दिया गया है, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमें कितना दिया है, 60 लीटर प्रति मिनट। यानी इसका मतलब क्या है कि जो पानी है वो एक मिनट में कुंड में 60 लीटर गिर जाता है, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमसे पूछा गया है कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया है कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, यानी कि घंटे में पूछा गया है, लेकिन जो दर है ये हमें मिनट में दिया गया है, 60 लीटर प्रति मिनट, है ना। तो हम क्या करेंगे अब कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक घंटे में कुंड में कितना पानी भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक घंटे में पानी भरेगा। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें दर दिया है यानी 60 लीटर प्रति मिनट, तो इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब ये है कि एक मिनट में 60 लीटर पानी कुंड में भरा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम 60 का यानी इसका गुणा कर देंगे एक घंटे से। अब देखिए एक घंटे में हमारे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो इसीलिए हम 60 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60 3600, यानी कि जो कुंड है उसमें एक घंटे में 3600 लीटर पानी भरा जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमें कुंड का आयतन दिया गया है वो, तो हमें कितना दिया गया है, 108 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें कुंड का आयतन दिया गया है 108 मीटर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि कुंड में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि कुंड में कुल कितने लीटर पानी भरा जा सकता है वो अब हम निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम कुंड की क्षमता निकाल रहे हैं, यानी कितने लीटर पानी आने की क्षमता है कुंड में वो, और ये हम किस में निकाल रहे हैं, लीटर में, ठीक है, यानी कि कुंड की क्षमता लीटर में। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो ये आयतन है 108 इसका गुणा कर देंगे हम किससे, 1000 से, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 1000 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारा एक मीटर क्यूब होता है उसमें 1000 लीटर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 108 मीटर क्यूब है तो इसे हम गुणा कर देंगे 1000 से। तो ये आ जाएगा कितना, 108 लिख के और यहाँ पर 30 है तो 30 लगा देंगे, यानी इतना लीटर आ गया हमारा जो कुंड है उसकी क्षमता, यानी कि कुंड में इतने लीटर पानी आ सकता है। अब यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा, हमसे पूछा गया है कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि कुंड को भरने में लगा समय। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुंड की जो क्षमता है कुल, यानी कि ये हमारा इतना है, तो इसमें हम भाग कर देंगे किससे, जो कुंड में एक घंटे में पानी भरा जा रहा है उससे, यानी कि इस 3600 से। तो ये हम यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए कितना आएगा, ये 20 से तो 20 कट जाएगा, इसके अलावा ये 36 एकम 36 और ये 36 दिया 108 होता है, अब ये 10 बच रहा है तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये आ रहा है हमारा 30, यानी कि 30 घंटे लगेंगे कुंड को भरने में, ठीक है। तो ये हमारा 30 घंटे ही आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।